और उनके साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दो तस्वीरें, दो प्रदेश इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल से मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, तो वहीं दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कांग्रेस के दोनों ही कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया की भी मौजूदगी इस वक्त आप देख सकते हैं, तमाम कैबिनेट के दिग्गजों की मौजूदगी देख सकते हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि ये दो तस्वीरें दो प्रदेश की इस वक्त और सबसे बड़ी कवरेज स्वराज एक्सप्रेस पर, तो दो तस्वीरें, पहली आपको बता दें भोपाल से जहां पर राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, दूसरी तस्वीर रायपुर से जहां पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच में आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर ली है और इस मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है दोनों ही कांग्रेस के प्रत्याशी, ये देखिए। तो स्वराज एक्सप्रेस जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाता है, और सुबह से, ना केवल सुबह से बल्कि मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात से ही पल पल का घटनाक्रम, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज भी हम लगातार ये नामांकन दाखिल करते हुए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केटिया तुलसी पूर्व देवी नेताम इस वक्त अपना नामांकन दाखिल करते हुए राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की ये दो सीटें तो पक्की हैं, बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा है, तो महज एक फॉर्मेलिटी केटीएस तुलसी पूर्व देवी नेताम ये दो केटीएम तुलसी इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं उनके साथ। आशीष, और क्या तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पे चल रहा है? तमाम मंत्रियों की मौजूदगी इस दौरान यहां पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं पीएल पुनिया, फूलो देवी नेताम बस्तर की मुखर आदिवासी नेता हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। और जिस तरीके से हम लगातार चर्चा, देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर लगभग शुरू हो चुकी है। जो केटीएम तुलसी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। फूलो देवी नेताम इसके बाद उनका नंबर है, वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट की मौजूदगी है। पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी इस वक्त हैं, कांग्रेस के ज्यादातर विधायक इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही थी हालांकि इसके पहले कि जब एआईसीसी नाम का ऐलान करेगी राज्यसभा उम्मीदवारों का, तो छत्तीसगढ़ के ही दो चेहरे राज्यसभा भेजे जाएंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शुरुआत से ही इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि एक नाम एआईसीसी तय करेगा जो राज्य के बाहर का होगा। कई नाम चल रहे थे, इस बीच चर्चा ये भी हुई कि प्रियंका वाड्रा को भी छत्तीसगढ़ के राज्यसभा भेजा जा सकता है, रणदीप सुरजेवाला का भी नाम चल रहा था, लेकिन केटीएम तुलसी का नाम निकलकर सामने आया एन वक्त पर, और केटीएम तुलसी अब छत्तीसगढ़ के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। और महज ये औपचारिकता है, दरअसल जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी, नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की नौबत नहीं आएगी क्योंकि कोई दूसरे नाम यहाँ पर और नहीं है, महज एक औपचारिकता रह जाएगी। जब फूलो देवी नेताम और केटीएम तुलसी के नाम पर औपचारिक मुहर लगाई जाएगी और छत्तीसगढ़ से जो दो सीटें रिक्त हो रही हैं, उन दो सीटों पर सांसद के तौर पर सदन में अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आएंगे। मैं ये तमाम प्रक्रियाएं औपचारिकता हैं, आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा राज्यसभा सांसद के तौर पर
अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि तमाम नेताओं से बातचीत हो जाए। एक शपथ देना होता है, नॉमिनेशन के साथ शपथ पढ़ना होता है। फूलोदेवी नेताम इस वक्त वही शपथ पढ़ती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ठीक उनके पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़े हैं, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे खड़े हैं, पीएल पुनिया हैं, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हैं, टीएस सिंहदेव की मौजूदगी यहां पर है, सीयू डहरिया जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी यहां पर है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम यहां पर मौजूद हैं और लगभग सभी विधायकों की मौजूदगी इस वक्त इस मौके पर बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी शक्ति का अंदाजा लगाने और बताने के लिहाज से भी तमाम विधायकों की मौजूदगी को कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित किया है। और अब नॉमिनेशन दोनों ही जो उम्मीदवार हैं केटीएम तुलसी और फूलोदेवी नेताम दोनों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। नॉमिनेशन दाखिल किए जाने के बाद शपथ पत्र पढ़ लिया है। महज हस्ताक्षर की जो एक प्रक्रिया होती है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि देश में जिस तरीके के हालात इन दिनों बनते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश का, यहाँ पर जिक्र करें कि एक स्थिर सरकार को स्थिर करने की कवायद देखने को मिली। देश का एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा मध्य प्रदेश उन दिनों चल रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में छत्तीसगढ़ में ये संदेश देने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जनता ने जिस तरीके से बड़ी मेजोरिटी दी है उस मेजोरिटी का सम्मान यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो करे। राजनीति में जिस तरीके की बिसात बिछाई जाती है उसकी तस्वीर के परे छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर है जहां पर एकजुटता दिखाने की कोशिश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ कांग्रेस की सरकार करती दिख रही है। तमाम नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार चल रही है वो सरकार के बीच बेहतर समन्वय है, बेहतर कोऑर्डिनेशन है। राज्यसभा नॉमिनेशन के जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस ने किया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि फूलोदेवी नेताम का चेहरा एक महत्वपूर्ण चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए है, बस्तर में एक बड़ा चेहरा है, आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजे जाने के अपने एक रणनीतिक मायने कांग्रेस के हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक दूसरा नाम निकलकर सामने आया था कि टीएम तुलसी वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के या आईसीसी के तमाम दिग्गज नेताओं के बेहद करीबी हैं, खासतौर पर गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, ऐसे में उन्हें राज्यसभा छत्तीसगढ़ से भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि जरूर राज्यसभा उन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन क्या उनकी कनेक्टिविटी जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ पाएगी? छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर उनकी क्या भूमिका राज्यसभा में होगी, सदन में होगी? छत्तीसगढ़ के हित से जुड़े हुए किन किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते सदन के भीतर नजर आएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम कोशिश करेंगे कि जब उनसे बातचीत हो तो उनसे ले सकें। यहाँ पर ये प्रक्रिया जो होती है नॉमिनेशन दाखिल करने की कि प्रस्तावक यहाँ पर होते हैं, प्रस्तावकों के दस्तखत होते हैं, उन तमाम प्रक्रियाओं की पूर्ति यहाँ पर की जा रही है और लगभग के अपने अंतिम चरण में है। इसके ठीक बाद ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और इंतजार होगा औपचारिक ऐलान का। आज नॉमिनेशन का आखिरी तारीख है, कल स्क्रूटनी हो जाएगी, लेकिन महज औपचारिकता ये है और ऐसे में अब सिर्फ ऐलान ही बाकी रह जाएगा। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे हम बातचीत करने की। शुरुआती तस्वीरों में तो यही समझ आया था कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब नेता यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। केटीएम तुलसी साहब बहुत बहुत बधाई, आपने राज्यसभा का नॉमिनेशन दाखिल कर लिया है। दो 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 छोटे सवाल। सवाल पूछने की कोशिश हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। केटीएम तुलसी मौजूद है, पीएल प्रदेश के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी है, कुलदेवी नेताम यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि कुछ बुनियादी सवाल इस बीच हमारे जहन में है जिसे पूछना जरूरी है। सर पुनिया, सर सर आप रुकेंगे? अभी रुकेंगे, जाएंगे नहीं सर। मजे की सर ऑफिस में वही चेंबर में बैठे सर। मजे की बात आपको बताओ।